हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, बोर्ड की डेट शीट्स आ चुकी हैं, यूपी बोर्ड की आने वाली हैं, यानी कि मिड फरवरी में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रिपरेशन आपने ज़ोरों से स्टार्ट कर दी है ना? अगर नहीं किए तो आज ही से करिए, क्योंकि देयर विल बी नो टुमारो। तो आइए शुरू करते हैं। रिलेशन एक्सरसाइज नंबर 28 का आपकी सबसे पसंदीदा ग्रामर की बुक टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। द वॉर वॉज ओवर, युद्ध समाप्त हो गया था। देयर वॉज पीस इन द वर्ल्ड, संसार में शांति थी। सिंपल बीइंग का यूज करेंगे, द वॉर बीइंग ओवर, युद्ध के समाप्त होने पर देयर वॉज पीस इन द वर्ल्ड, संसार में शांति आ गई। नंबर टू, द सन सेट, सूरज छुपा। माई फादर हैड नॉट अराइव, मेरे पिताजी नहीं आए थे। दोनों को जोड़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, द सन हैविंग सेट, माई फादर हैड नॉट अराइव्ड। ओके, सूरज के छुपने के बाद भी मेरे पिताजी नहीं आए थे। नंबर थर्ड है, शी विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम में सफलता पा लेगी। शी इज श्योर ऑफ इट, और वह इसके बारे में बड़ी ही निश्चित है। तो हम दोनों को जोड़ेंगे, शी इज श्योर टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। इसमें हमने यूज किया इन्फिनिटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट। नंबर फोर पर आएंगे गाइस, आई एडवाइज्ड हिम, आई गिव हिम मनी, मैंने उसे सलाह दी और मैंने उसे धन भी दिया। तो दोनों सहायताएं जब एक साथ दे रहे होते हैं तो प्रीपोजिशन बिसाइड्स, इसकी हिंदी है के अतिरिक्त का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे करेंगे, बिसाइड्स गिविंग हिम एडवाइस, आई गिव हिम मनी, सलाह के अतिरिक्त मैंने उसे धन भी दिया। नंबर फाइव पर आइए दोस्तों, ही टर्न टू द लेफ्ट, वो बाईं ओर मुड़ा। ही रीच द स्टेशन, पे स्टेशन पहुंचा। आइए जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ने पर ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और पहले सेंटेंस में उसका यूज करेंगे। और जानकारी के लिए सिंथेसिस के रूल्स जरूर देखें कि किस तरह सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में हम चेंज करते हैं। नंबर सिक्स पर आइए, बहुत इंटरेस्टिंग और बोर्ड में बार बार आया है गाइस, मीरा हेड फेल्ड, मीरा असफल हो गई थी। शी हर्ड द न्यूज, उसने ये खबर सुनी। शी वेप्ट, वो रोई। तीनों को जब इकट्ठा करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, साथ में एक प्रीपोजिशन जरूर लगा लेंगे जिससे मदद मिले। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, अपनी असफलता की खबर सुनकर या सुनने पर मीरा वेप्ट। नंबर सेवन पर आएंगे दोस्तों, द मार्केट वॉज क्लोज, बाजार बंद था। आई कुड नॉट बाई बुक्स, मैं पुस्तकें नहीं खरीद सका। द मार्केट बीइंग क्लोज, बाजार के बंद होने पर आई कुड नॉट बाई बुक्स, मैं पुस्तकें नहीं खरीद सका। पार्टिसिपल का सिंपल यूज करेंगे बीइंग के साथ, इज आर एम, वाज वर में बीइंग का यूज कर लेते हैं। नंबर एट पर आएंगे दोस्तों, हर मदर वॉज बीटिंग हर, उसकी माँ उसे पीट रही थी। शी बिगेन टू बी, वह रोने लगी। दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो हो जाएगा, हैविंग बीन बीटन बाई हर मदर, माता जी की पिटाई के बाद या पिटाई होने पर शी बिगेन टू बी, उसने रोना शुरू कर दिया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे हैविंग के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे दोस्तों। अब आएंगे हम नंबर नाइन पर, राम रोट एन एसे, इट टुक हिम टाइम। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड, आप इसे रमा भी पढ़ सकते हैं और रामा भी, दोनों को जोड़ेंगे। राम रोट एन एसे इन नो टाइम, शॉर्ट में दोनों को जोड़ेंगे और ध्यान देंगे वर्ब का यूज करना है सिर्फ एक बार, यानी कि वन फिनिट वर्ब, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस। नंबर टेन पर आएंगे, द बॉय वॉज नॉट पनिश्ड, लड़के को दंडित नहीं किया गया था। ही वॉज मिस्चीवियस, वो शरारती था। दोनों को जोड़ेंगे, द मिस्चीवियस बॉय वॉज नॉट पनिश्ड, है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों? तो बाकी के 10 सेंटेंसेस हम अगले वीडियो में आपको जरूर देंगे। तब तक वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें अपना सबसे पसंदीदा एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। बाय।